बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ इमली और खजूर की चटनी। तो चल के स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली इमली और दो मैं खजूरें ले ली यहाँ पे। ले लिया एक सॉस पैन और उसमें डाल दिया 3 कप पानी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी इस इमली को। इसको हम हाथों की मदद से खोल देंगे और इसको डाल देंगे। इससे चूलों की भी मैंने गिटक निकाल दिया और इसको मैंने छोटा छोटा ऐसे करके तोड़ लिया। और मैं इसको डाल दूंगी इसके अंदर और साथ ही हम चूल्हा कर देंगे ऑन जी। और अब मैं साथ ऐड कर दूंगी 1/4 कप चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर। आप यहाँ पे रेड चिली यूज़ करिएगा। मेरे घर में रेड चिली नहीं इस्तेमाल की जाती ज़्यादा, तो इसलिए मैं ब्लैक पेपर डालूंगी। तो डालने के बाद मैं इसको कर लूंगी अच्छे से मिक्स। और अब जो हूँ मैं इसको पकाऊंगी इतना कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक थिक सी फॉर्म में आ जाए। भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पानी है। तो इसको हम 20 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। ये देखिए जनाब, मैंने इसको 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक किया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी अच्छे से हो गई है। तो बस मैं इसको इसी स्टेज तक पकाऊंगी और अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल बंद जी। अब हम ले लेंगे एक स्ट्रेनर और इसमें डाल देंगे इमली की चटनी जो हमने भी गरम गरम अभी जस्ट बनाई है। तो इसको इसमें से छान लेंगे क्योंकि इसमें से हमने इसकी जो गुठलियाँ हैं इसको सेपरेट करना है। तो इसकी मदद से जो है मैं जो सारा जो इमली का गूदा, इमली का जो पल्प है वो अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पल्प उसका ले लिया है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी खट्टी मिट्टी बहुत ही मज़े की इमली और खजूर की चटनी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अभी ये बहुत गर्म है, इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं इसको डाल दिया एक एयर टाइट जार में और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये और भी अभी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो इसको हम कर देंगे बंद। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामुअलैकुम जनाब। मैंने इसको 4 से 5 घंटे जो है फ्रिज में रखा और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि 4-5 घंटे में कितनी अच्छी गाढ़ी सी हो गई है, मज़े की। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इसे आलू चने की चाट पे बना के डाल के खाएं या दही भल्लों पे डाल के खाएं या वैसे ही खा लें रोटी के साथ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम, एक्सेलेंट।